हाय गाइस, वेलकम टू फरी फ्रेंड। आज का हमारा टॉपिक है हाउ टू पी एंड पॉटी ट्रेन योर पपी। पी मतलब सुसु। तो आज हम इस वीडियो में पी एंड पॉटी ट्रेनिंग के बारे में बात करेंगे। तो बरी को घर आए हुए 1.5 महीना हो चुका है एंड वी वर एबल टू सक्सेसफुली ट्रेन बरी विद इन 1 मंथ। सो इस वीडियो में मैं आपको मेरे एक्सपीरियंसेस शेयर करना चाहता हूँ सो दैट आप मेरी गलतियों से सीखें और आप अपने पपी को पी एंड पॉटी ट्रेन कर पाएँ वेरी इजीली। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। आई एम गोना डिवाइड दिस वीडियो इनटू 2 पार्ट्स। फर्स्ट पार्ट में हम डिस्कस करेंगे कि पपी को ड्यूरिंग द डे पी एंड पॉटी ट्रेनिंग कैसे दें एंड सेकेंड पार्ट में ड्यूरिंग द नाइट हम पी एंड पॉटी ट्रेनिंग कैसे दें। सो पॉइंट नंबर 1, लेट्स फेस इट, पी एंड पॉटी एक्सीडेंट्स विल हैपन। बरी ने भी आई थिंक पॉटी घर के अंदर एक बार की है एंड दैट वॉज फर्स्ट या सेकेंड डे, आई डोंट रिमेंबर। बट पी उसने तो बहुत बार पी करा है, लाइक घर के अंदर सुसु बहुत हुआ है उससे एंड दीज आर कॉल एक्सीडेंट्स। वो उसने जानबूझ के नहीं करे हैं, वो एक्चुअली गलती से निकल जाते हैं, उसे नहीं पता कहाँ पर करना है, राइट? सो ये होगा अगर आप पपी लाए हैं तो ये होगा। लेट्स फेस इट एंड लेट्स कीप दैट इन माइंड। दैट्स पॉइंट नंबर 1। बेड में सुसु कर दिया। बड़ी बड़ी क्या किया हाँ ये क्या किया तूने? ये बेड में सुसु कर दिया। बेड में सुसु कर दे तो तू बाहर करते है ना, तू गुड बॉय है ना? कहाँ जा रहा है? इधर बात कर रहे हैं अभी हम, इधर भाग गया, इधर फिर सुसु कर। क्या करते तो वही है पर बेड पे कौन करता है? इंटरनेट पे सबने लिखा है कि कोई भी डॉगी जहाँ पे सोता है वहाँ पे सुसु नहीं करता है, पर मिस्टर बडी इज डिफरेंट। एंड पॉइंट नंबर 2, इस चीज़ को रिड्यूस करने के लिए आप क्या कर सकते हैं कि आप अपने पपी को खुद ही बाहर ले जाएं पी एंड पॉटी करने के लिए रादर देन वो घर के अंदर खुद से पॉटी करें। इससे क्या होगा कि पपी को पता लगेगा कि घर के अंदर पॉटी करना या पी करना इज़ नॉट अलाउड बट बाहर करना इज़ अलाउड ड्यूरिंग दिस सिचुएशंस। लाइक जब भी वो सो के उठे विद इन 5 मिनट्स उसको पॉटी या पी करने बाहर ले जाएं, क्योंकि सो के उठने के बाद उनको ज़्यादा पी आता है। एक्सरसाइज करने के बाद या जब भी प्ले करने के बाद, जब भी आप अपने पपी के साथ खेल के हटे हों तब आप पपी को ज़रूर सुसु कराएं। चाहे वो भी लाइक यू नो 1 घंटा पहले ही सुसु किया उसने, अगर वो अभी खेला है आपके साथ लेकिन वो रनिंग करी है उसने, तो उसको ज़रूर फिर से सुसु कराएं, क्योंकि उसको चांसेस ज़्यादा हैं कि फिर से सुसु आएगा। बेड पे जाने से पहले लाइक सोने से पहले सुसु कराएं, पॉटी कराएं, और फर्स्ट थिंग इन द मॉर्निंग जब भी वो सो के उठे फिर से उसको सुसु पॉटी कराएं। अगर आप इन चीज़ों का ध्यान रखेंगे तो घर के अंदर एक्सीडेंट्स कम होंगे। ओके, बढ़िया भी सो के उठा है और खुद ही आके बैठ गया है गेट के पास, और इस टाइम ये परफेक्ट टाइम है बड़ी को बाहर जाके सुसु कराने का, क्योंकि वो सो के उठा है। जैसे कि मैंने वीडियो में बोला है, जब भी पपी सो के उठता है तो उसको बाहर लेके जाके सुसु कराना चाहिए। और मैं इसके लिए एक केबल का दाना फिर से ले लूँगा ताकि बड़ी को प्रेस करें और उसको ट्रीट दें बाद जब वो सुसु कर ले। ओके बड़ी, लेट्स गो, गुड बॉय, गुड बॉय, गुड बॉय। थोड़ा सा टाइम दे रहा हूँ मैं, क्योंकि एकदम से आके वो सुसु नहीं करेगा, वो एक्सेप्टेबल है पर वो ज़रूर करेगा, तो थोड़ा सा टाइम दो और बिल्कुल बोर कर दो, लाइक उसको खेलने मत दो। भाई देखो पर इन्हें सुसु कर लिया तो आई एम श्योर आप भी नहीं देखना चाहोगे, बट देयर यू गो, वेरी गुड बॉय, गुड बॉय, गुड बॉय, गुड बॉय। और जब वो सुसु कर ले उसको प्रेस करो और ट्रीट दे। पॉइंट नंबर 3, अगर आप अपने पपी को बाहर लेके जा रहे हैं सुसु कराने या पॉटी कराने, तब आप उसके साथ सिर्फ सुसु और पॉटी ही करवाएं उसे, उसके साथ कोई खेले नहीं, उसके साथ बातें ना करें, ताकि उसको पता लगे ये पॉटी ब्रेक है, ये सुसु ब्रेक है, ये प्ले ब्रेक नहीं है। क्योंकि अगर आप उसके साथ सुसु कराने के बाद, पॉटी कराने के बाद खेलने लग जाएंगे तो वो कन्फ्यूज़ हो जाएगा कि ये सुसु ब्रेक थी या फिर प्ले ब्रेक थी, लाइक मैं प्ले करने बाहर आया हूँ या मैं सुसु करने बाहर आया हूँ। जब भी आप अपने पपी के साथ बाहर जाएं सुसु कराने या पॉटी कराने, उसके साथ बातें ना करें, उसके साथ खेलें नहीं। पॉइंट नंबर 4, आप बिल्कुल बोर खड़े हो जाएं जब भी आप बाहर जाएं पपी के साथ, लाइक नो प्लेइंग, नो टॉकिंग,
बिल्कुल बोर खड़े हो जाएं, बिल्कुल कोई एक्टिविटी ना करें उसके साथ, क्योंकि अगर उसका ध्यान सुसू से हट गए, खेलने में डाइवर्ट हो गया, तो फिर शायद यू नो वो वहाँ पे सुसू ना करे, और शायद गलती से जब आप उसको अंदर ले आएंगे तब वो फिर से सुसू कर देगा। इट्स वेरी फ्रस्ट्रेटिंग कि आप बाहर लेके जाएं वो सुसू ना करे, पर जब आप घर के अंदर लाएं तो वो तभी सुसू कर दे, उस टाइम पे थोड़ा फ्रस्ट्रेटिंग होता है। बट अगर आप बाहर जाएंगे उसके साथ तो ध्यान रखें, बिल्कुल बोर खड़े हो जाएं, उसके साथ बातें ना करें। और हाँ, अगर वो बाहर ले जाने पर सुसू ना कर रहा हो, पॉटी ना कर रहा हो, तो उसको विद इन लाइक 2-3 मिनट्स अंदर ले आएँ, और अंदर लाने के 5 मिनट के बाद उसे फिर वापस लेके जाएं और फिर से ट्राई करें। और पॉइंट नंबर 5, ये सबसे इम्पॉर्टेंट पॉइंट है, दिस पॉइंट एक्चुअली चेंज आवर लाइफ। अगर गलती से सुसू या पॉटी का एक्सीडेंट घर में होता है, तब आप उसको वहीं के वहीं रोकें और एक नो वर्ड का यूज़ करें, एक थोड़ी सी टोन, थोड़ी सी यू नो थोड़ी सी हार्ड टोन में नो बोले, बड़ी नो नो ऐसे बोले, ताकि उसको लगेगा कि ओ ओ ये मैंने क्या कर दिया, अंदर सुसू करना, अंदर पॉटी करना अलाउड नहीं था, और उसको उठा के जल्दी से बाहर लेके जाएं और बाहर लेके जाके उसको फिर से ट्राई कराएं। ऑल्दो वो घर के अंदर सुसू कर चुका है, पर आप फिर से ट्राई करवाएं उसको बाहर लेके जाके सुसू करवाने का, पॉटी करवाने का, ताकि उसको रियलाइज़ होगा कि बाहर सुसू करना, पॉटी करना इज़ अलाउड, पर घर के अंदर करना इज़ नॉट अलाउड, क्योंकि घर के अंदर करने से मुझे डांट पड़ती है पर बाहर करने पर मुझे प्रेज मिलता है। और अगर वो बाहर सुसू पॉटी करे तो उसे ट्रीट ज़रूर दें, उससे उसको प्रेज़ मिलेगा, उसको उससे बहुत अच्छा लगेगा, तो वो ट्रीट करने के लिए, ट्रीट करने के लालच में ही बाहर सुसू करने करने का या पॉटी करने की आदत डाल लेगा। एंड ट्रस्ट मी, जब से मैंने उसको बाहर ट्रीट देना शुरू किया है, अब वो एक्सपेक्ट करता है मुझसे कि यू नो बाहर जाके ट्रीट मिलेगी, तो उसने घर के अंदर सुसू करना इंस्टेंटली छोड़ दिया था। दिस पॉइंट चेंज आवर लाइफ। देखा, खाना खाने के बाद डॉग को एकदम से बाहर ले आए पपी को। वेरी गुड बॉय, वेरी गुड बॉय, गुड बॉय। और इंस्टेंटली खाना खाने के बाद उनको सुसु आता है, सुसु पॉटी आता है, तो सुसु तो बड़ी ने कर लिया है। अगर मैं 2 मिनट और दूंगा, बड़ी ने पॉटी नहीं करी, तो बड़ी को अंदर ले जाऊंगा मैं। बड़ी लेट्स गो पॉटी, कम लेट्स गो पॉटी, कम। और हियर यू गो, मैंने 2 मिनट दिए और बड़ी पॉटी करने लग गया। मैं आप आई एम श्योर आप ये नहीं देखना चाहोगे, थोड़ा आगे कर देता हूँ कैमरा को, बट विद इन 2 मिनट्स और एक्चुअली विद इन 5 मिनट्स खाना खाने के बड़ी ने सुसु एंड पॉटी दोनों कर लिए हैं। तो आपको इस चीज़ का ध्यान रखना पड़ेगा कि जब आपका पपी डॉगी खाना खा ले तो उसको एकदम से बाहर ले आए। गुड बॉय, गुड बॉय। अच्छा, पैर मारना भी सीख लिया। ओहो, ट्रीट चाहिए, अभी लाता हूँ। पॉइंट नंबर 6, अगर पपी गलती से सुसू कर देता है घर के अंदर, उसे लंबे लंबे सेंटेंसेस में बातें ना करें, उसको नहीं समझ आएगा, सिर्फ नो वर्ड का यूज़ करें। नो वर्ड थोड़ा ऐसा लगता है कि थोड़ा हार्ड टोन में होगा, उससे उसको बुरा लगेगा सुन के। लंबे सेंटेंसेस अगर आप बोलेंगे उसको कुछ समझ नहीं आएगा, सिर्फ नो वर्ड का यूज़ करें। बड़ी क्या किया है, सुसू नहीं करते अंदर, तेरे को समझाया था ना पिछली बारी, जब ऐसे अंदर मत किया अगर बाहर करना होता है। इतनी लंबी बातें नहीं करनी होती डॉग से, सिर्फ डॉग को सिर्फ नो वर्ड का मतलब समझाएं, ताकि उसे नो का ही मतलब समझ आएगा, क्योंकि वो टोन ऐसी होगी नो नो, ताकि उसे समझ आएगा कि दैट्स नॉट अलाउड, और बाहर उसे ले आए और उसे प्रेस करें। गुड बॉय, गुड बॉय। पॉटी के लिए एक बात ध्यान रखें कि पॉटी यूजली पपीज़ को खाना खाने के कुछ घंटों के बाद आती है, जैसे कि बड़ी खाना खाने के अबाउट 2-3 घंटे बाद पॉटी करता है, तो ट्राई करें कि बिफ़ोर बेड उसको पॉटी करवाएं। तो आपको उस चीज़ का थोड़ा ध्यान रखना पड़ेगा, शुरू में आपको नहीं पता चलेगा कि इसको पॉटी कब आती है, सुसु कब आता है खाना खाने के बाद, बट जब आपको एक बार रियलाइज़ हो जाए कि खाना खाने के विद इन 2 आवर्स या 3 आवर्स वो सुसु करता है, तब आप उसका ध्यान खुद से रखें और खुद ही बाहर लेके जाएं उस टाइम पे, उसको सुसु कराएं, पॉटी कराएं। पॉइंट नंबर 8, ज़्यादा से ज़्यादा टाइम घर के अंदर बिताएं पपी के साथ। अगर आप बहुत ज़्यादा टाइम घर के बाहर बिताएंगे, तब पपी को लगेगा कि वो ही मेरा घर है। ज़्यादा टाइम घर के अंदर बिताने से पपी को लगेगा ये मेरा घर है। और आपको एक फैक्ट बताता हूँ, पपीज़ अपना घर कभी गंदा नहीं करते। अगर पपी को पता लगेगा कि मैं यहीं रहता हूँ, तो वो अपना घर कभी गंदा नहीं करेंगे। तो ट्राई करें कि आप घर के अंदर पपी के साथ ज़्यादा टाइम स्पेंड करें, घर के बाहर कम घूमें, घूमें पर कम घूमें, घर के अंदर ज़्यादा हों।
ताकि उसको एक रिस्पॉन्सिबिलिटी समझ आए कि यही मेरा घर है और बाहर सिर्फ सुसु पॉटी करने और खेलने जाते हैं। ओके, अब हम डिस्कस करेंगे सेकेंड पार्ट ऑफ द वीडियो विच इज़ पी एंड पॉटी ट्रेनिंग इन द नाइट। तो रात का थोड़ा सा डिफरेंट होता है, ज़्यादा डिफरेंट नहीं होता। नंबर वन रूल रात की सुसु एंड पॉटी ट्रेनिंग के लिए होता है कि जितने मंथ का पपी है प्लस वन उतने घंटे एक पपी सुसु होल्ड कर सकता है। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर बडी 3 मंथ्स का है तो 3 मंथ्स प्लस वन 4 घंटे बडी सुसु होल्ड कर सकता है, एंड दैट इज़ एक्चुअली ट्रू। शुरू में मुझे पता नहीं था ये बात। फर्स्ट नाइट हमारी थोड़ी हार्ड थी, बडी ने यू नो घर के अंदर काफ़ी 3-4 जगह पे सुसु कर रखा था, हमें पता ही नहीं था वो कब कब सुसु कर सकता है। तो जब से ये रूल हमें पता लगा है तब से बहुत ईजी हो गया है। एंड ध्यान रखें, पपी के सुसु इन पॉटी करने से पहले ही आप उसको सुसु बाहर करवा दें ताकि वो घर के अंदर एक्सीडेंट्स ना हो। फॉर एग्जांपल अगर आपका पपी 4 घंटे में सुसु करता है, 3 मंथ्स का पपी है एंड 4 घंटे उसके होल्ड करने की कैपेसिटी है, तब आप 4 घंटे का अलार्म लगा के सोएं और उसके सुसु करने से पहले ही आप उसको बाहर लेके जाएं, क्योंकि अगर आप अलार्म नहीं लगाएंगे तो आपको घर के अंदर सुबह सुसु मिलेगा। हम आज भी अलार्म लगा के सोते हैं क्योंकि अभी बडी 3.5 महीने का है और वो अभी इतना होल्ड नहीं कर सकता, क्योंकि अगर आप 7-8 घंटे रात को सोते हैं तो नॉन स्टॉप इतना होल्ड नहीं कर पाएगा। तो इससे अच्छा एक बार रात को उठें और ख़ुद ही उसको जाके सुसु इन पॉटी कराएं। सेकंड पॉइंट रात की सुसु इन पॉटी ट्रेनिंग का ये है कि आप रात का डिनर लाइक लास्ट मील पपी की थोड़ा 2-3 घंटा पहले रखें सोने से। लाइक अगर आप 10 बजे सोते हैं रात को तो पपी को 7 बजे खाना खिला दें। उससे क्या होगा कि आपको 2-3 घंटे का गैप मिल जाएगा जिसमें पपी पॉटी एंड सुसु कर सकता है दोबारा। एंड थर्ड पॉइंट, एक बार सोने से पहले ज़रूर सुसु इन पॉटी ट्राई करवाएं, क्योंकि अगर आप सोने से पहले सुसु करवाएंगे तो चांसेस हैं कि वो सिर्फ बाद में यू नो 3-4 घंटे बाद ही उठेगा सुसु करने के लिए और वो अच्छी नींद सोएगा। हो सकता है आपका पपी रात को पॉटी ना ही बिल्कुल ना करे, जैसे बडी मैं रात को उठता हूँ 4 घंटे बाद उसको सुसु करवाने जाता हूँ पर वो पॉटी नहीं करता। बडी सिर्फ रात को खाना खाने के बाद जो उसकी लास्ट मील होती है वो कभी कभी रात को पॉटी करके सोता है और कभी कभी नहीं करता, और नहीं भी करता तो आई एम श्योर यू नो अब तक तो इतनी आदत हो गई है हमें कि वो सुबह फर्स्ट थिंग इन द मॉर्निंग ही पॉटी करता है, रात को कभी पॉटी नहीं करता वो। बट हाँ, आपका पपी हो सकता है थोड़ा डिफरेंट हो तो आप ट्राई करें रात को अलार्म लगा के सोएं, वो रूल के हिसाब से जितने मंथ का पपी प्लस वन उतने आवर्स वो स्टोर कर सकता है, होल्ड कर सकता है अंदर। एंड दिस रूल ओनली अप्लाइज अनटिल 7 मंथ्स ऑफ एज। तो जब तक पपी 7 मंथ का होता है तब तक ही रूल ये अप्लाई होगा, 7 मंथ के बाद ये रूल अप्लाई नहीं होगा। अगर आप इन सारे पॉइंट्स का ध्यान रखेंगे ड्यूरिंग द डे ड्यूरिंग द नाइट तो बहुत जल्दी आई एम श्योर बहुत जल्दी आपका पपी भी सीख जाएगा कि घर के अंदर सुसु करना या पॉटी करना इज़ नॉट अलाउड, घर के अंदर करने से मुझे डांट पड़ती है पर बाहर जाके करने से मुझे ट्रीट मिलती है। तो वो बहुत जल्दी ये समझ जाएगा और बाहर करना शुरू कर देगा। बड़ी को सिर्फ 1 महीना लगा, आई होप कि आपके पपी को बहुत कम टाइम लगे। और अगर आपका पपी ये सीख भी गया है फिर भी आप ऐसा ये ट्रेनिंग कंटिन्यू रखें, उसको बाहर लेके जाके ट्रीट्स देना और सारे पॉइंट्स जो मैंने बोले, क्योंकि पपी बहुत यंग होते हैं एज में और वो ये सारे पॉइंट्स भूल सकते हैं। तो यू नो इवन टुडे हम बड़ी को ट्रीट देते हैं बाहर जाके सुसु एंड पॉटी करने पर, ऑल दो वो सीख चुका है पर फिर भी हम उसको ये ट्रेनिंग कंटिन्यू करते हैं, क्योंकि इससे पहले कि वो यू नो ये सारी ट्रेनिंग भूल जाए कंटिन्यू करें ट्रेनिंग जब तक आप श्योर हो जाएं कि यू नो ऐसे एक्सीडेंट्स घर के अंदर नहीं होने वाले। ऑलराइट गाइस, दीज वर ऑल माय पॉइंट्स फॉर दिस वीडियो। अगर ये वीडियो आपको हेल्पफुल लगे तो लाइक करें वीडियो को और सब्सक्राइब करें चैनल को, क्योंकि और भी ट्रेनिंग की वीडियोज़ मैं इस चैनल पर डालने वाला हूँ। ऑलराइट गाइस, वी विल सी यू इन आवर नेक्स्ट वीडियो। बाय फ्रॉम मी, बाय फ्रॉम बरी।